स्वागत है आपका। जी, आपका सवाल। मेरा सवाल यह है कि मुझे 2 साल से गैस बहुत बनती है। आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 52 साल। नफीस भाई, देखिए, एक बहुत कामयाब नुस्खा भी है, वो आप बना लें और लिख लें। देखिए, सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी, मेथी का दाना लें। एक बार और बोल देता हूँ, लिखने में आसानी होगी। सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी, ये सब 100-100 ग्राम खरीद कर पाउडर बना के रख लें। और एक आता है नमक जैतून, ये एक विशेष नमक है जो नमकीन नहीं होता, और यही वो नमक है जिसे ब्लड प्रेशर वाले भी यूज़ कर सकते हैं। तो नमक जैतून लीजिए एक चुटकी में, जितना आ जाए आपका, और 1 या 2 गिलास पानी में मिला लीजिए, और इस पानी से ये 6 चीज़ों का पाउडर आप खाएं, जो आपने 6 चीज़ों का चूर्ण बनाया है, और दिन में 2 बार खा सकते हैं। खाने से पहले खाना बेहतर है, खाने के बाद भी ले सकते हैं। इससे आपकी ये समस्या अच्छी होना मुमकिन है। रतन जी, स्वागत है आपका। सर, मेरा एक साथी है, मेरी ही उम्र का है, 65 वर्ष। जी उसे हार्ट की समस्या है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, यूरिक एसिड है, प्रोस्टेट है, पेशाब करने में ज्यादा तकलीफ होती है उसे, खून की कमी, और चेहरे की रौनक तो गायब है। ठीक है, ठीक है। और दूसरी मेरी समस्या कुछ है, जो मैं 2 डब्बा नमक काला गोंद स्याह खा चुका, ठीक है, 200 ग्राम, लेकिन घुटना अभी तक नहीं मुड़ा है मेरा, मतलब मैं बैठ नहीं सकता जमीन पर, ठीक है, पसीने में बदबू, पेशाब में हल्की सी जलन, यही मेरी समस्या है, और गैस थोड़ा सा बनता है। और आपके दोस्त को बहुत सारी बीमारी है, लेकिन एक एक ही नुस्खा है, वो नुस्खा उनके सारी बीमारियों पर असरअंदाज हो सकता है। अलसी को हल्का सा भून लें, और ज़्यादा नहीं भूनना, हल्का सा भून कर पाउडर बना कर रख लें। ज़्यादा सी अलसी ले लें, 300-400 ग्राम, तो काफ़ी दिन चल जाएगी। अब खाने का सोडा और नमक जैतून एक एक चुटकी पानी में मिलाकर ये अलसी आधा या 1 चम्मच खाएं दिन में 2 बार, तो इससे इनके हार्ट की परेशानी और इनसे जो यूरिक एसिड की परेशानी और दूसरी जो बीमारियां आपने बताई, उन सब में फायदा होना मुमकिन है। स्वागत है आपका। हमारी मम्मी गई देखी पूछने को, नुस्खा बताओ कछु। क्या हो गया मम्मी को? उनकी कमर बहुत दिन से कमर दर्द करते हैं। उम्र कितनी है? उम्र उनकी 40-45 हुई है। कितनी है? 40-45 हुई है। ठीक है मैम जी। ये देखिए, नुस्खा तो बहुत अच्छा है, अगर आप समझ लें तो, और असली दवा मिल जाए तो। देखिए, ये दुनिया का सबसे बेहतरीन नुस्खा मैं अपने अनुभव अनुसार मानता हूँ। किसी के भी कमर में दर्द हो, घुटनों में हो, कहीं भी दर्द हो, मैं इसको एक रॉ मटेरियल आता है, कच्ची दवा, जिसको हम गौंद स्याह कहते हैं, काला गौंद, लेकिन ये असली बहुत कम मिलता है, असली खरीद लें और इसको पाउडर बना लें। ये कच्ची दवा है, गोंद है जो काले रंग का होता है, इसको पाउडर बना लें, और 2 चुटकी में जितना है, एक चुटकी ये है, ऐसी 2 चुटकी सुबह नाश्ते के बाद, 100 और 2 चुटकी रात को खाने के बाद खा लें, और पानी पी लें या दूध पी लें। बस ये अगर 100 ग्राम भी मिल गया असली, तो आपकी मम्मी को फ़ायदा होना मुमकिन है, लेकिन खबरदार, ये नकली बहुत मिलता है, असली ही लें, तब आपकी मम्मी अच्छी हो सकती है। आरती जी, स्वागत है आपका। जी सर, मैम जी बोलिए। मैम मेरे है ना, नसों में बहुत ज्यादा जकड़न रहती है, और सिर में गांठे हो रही हैं, और जो पैरों की जो पिंडली है उनकी है ना, नीचे है ना, नीली नीली नसें है ना, किट्टी हो जाती है, जकड़न हो जाती है उनमें। अच्छा, कब से है ये परेशानी आपको?
सर 2 साल हो गए सर मुझे। और आयु कितनी है आपकी? 46 के लगभग है। ठीक है मैम। अच्छा देखिए, ये बीमारी बहुत आसानी से जा सकती है, बहुत आसानी से, लेकिन 2-3 बातें आप मान लीजिए। एक तो महिलाओं को काफ़ी काम होता है घर में, तो मेहनत का काम ना करें, जैसे झाड़ू पोछा आपके लिए बना है ना करें बिल्कुल, इसमें बहुत मेहनत लगती है। और ये नसों की प्रॉब्लम है जो कमर में दबी रहती है और टांगों में खिंचाव होता है। और एक ऐसा वेस्टर्न टॉयलेट यूज़ करें, कुर्सी वाला शौचालय, ये 2 बातें आप हमारी मानिए। और एक दवा जो रॉ मटेरियल है, कच्ची दवा है, जिसे गौंसिया कहते हैं, असली खरीदना है, नकली बहुत बहुत मिलता, बहुत ज़्यादा, असली गौंसिया ले लीजिए। और सिर्फ इस ये रॉ मटेरियल कच्ची दवा, इसको पाउडर बना लीजिए, चूर्ण बना लीजिए इसका, ये कड़वा होता है स्वाद में। और ये 2 चुटकी, देखिए ये चुटकी है ना मेरी, ऐसी 2 चुटकी भर के, आपकी चुटकी में जितना भी आए, 2 चुटकी सुबह नाश्ते के बाद खा लीजिए, 2 चुटकी रात को खाने के बाद। देखिए 2 साल में आपने क्या इलाज नहीं किया होगा, लेकिन ये देखने में इलाज आपको मामूली लगेगा कि कोई दवा चुटकी 2 चुटकी क्या फ़ायदा करेगी, लेकिन ये मेरे अनुभव के हिसाब से दुनिया का सबसे तेज़ असर गोंद है, जो ऐसी बीमारियों में जिसमें नसों में, जोड़ों में, कमर में तकलीफ हो, 2-2 चुटकी 2 बार खाइए खाने के बाद, पानी या दूध से, बस काफ़ी है। अगर 100 ग्राम भी मिल गया असली, तो आपको फ़ायदा मुमकिन है। शमशाद जी हैं, स्वागत है आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा लड़का है। हाँ। उसकी उम्र 30 वर्ष है। ठीक है। उसको है ना खाना हजम नहीं होता, और उसको कब्ज रहती है, और सुबह को छींके आती है, और उसको एलर्जी है, सुबह बहुत छींके आती हैं उसको, करीब 10 साल से। वो एलोपैथिक दवाइयाँ लेता है और बहुत दुबला पतला है, उसके लिए कुछ आप बताइए। ठीक है मैम। अच्छा देखिए, एलर्जी का इलाज अलग है और कब्ज़ का इलाज अलग है, आप लिख लीजिए नुस्खे तो उनको फ़ायदा हो सकता है। कब्ज़ तो बहुत जल्दी भी ठीक हो सकता है, लेकिन एलर्जी को 6-7 महीने इलाज में लगते हैं। एलर्जी का नुस्खा यह है कि सपिस्तान, उन्नाब और अलसी 100-100 ग्राम खरीद लें और उन्नाब की गुठली निकाल कर फेंक दें। सपिस्तान, उन्नाब, अलसी 100-100 ग्राम खरीदें और उन्नाब की गुठली निकाल कर फेंक दें, और 30 ग्राम पीपले आपके किचन में मौजूद रहती गर्म मसालों में, जिसे हम पीपला मूल भी कहते हैं, 30 ग्राम पीपले मिलाकर इन्हें पाउडर बना दें, और 1 चम्मच सुबह खाली पेट निहार मुंह बच्चे को दें, और 1 चम्मच टीस्पून भर के, और गर्म पानी या गर्म चाय पिला दें, और ऐसा ही रात को भी सोते वक्त करना है। ये एलर्जी का नुस्खा है जो आपको 6-7 महीने लगातार देना है, इससे बच्चे की छींके वगैरह में फ़ायदा होना मुमकिन है। कब्ज़ से वाबस्ता ये इलाज और भी बहुत बीमारियों को फ़ायदा देता है, जैसे कब्ज़, बवासीर, एसिडिटी और बहुत सारे रोगों में काम करता है। इसे आप बना लें। देखिए सौंफ आपके किचन में रहती है, सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया और मेथी का दाना, ये 6 चीज़ें हैं। सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया और मेथी का दाना, ये 6 चीज़ों का पाउडर बना के रख लें, चूर्ण बना के रख लें। और एक आता है नमक जैतून, ये नमक जैतून देखने में नमक जैसा होता है, लेकिन स्वाद में नमकीन नहीं होता, ये एक विशेष नमक है दुनिया का जो कब्ज़ को तोड़ देता है, बवासीर को अच्छा कर देता है, इन्फेक्शन को दूर कर देता है। तो ये नमक जैतून अलग से ख़रीदें और असली ख़रीदें, नकली भी मिल जाता है। 1 चुटकी नमक जैतून 1 गिलास पानी मिला लें
और इस पानी से ये 6 चीज़ों का पाउडर दिन में 2 बार खाएं खाने से पहले, तो आपका बच्चा तंदुरुस्त और ये कब्ज वगैरह की शिकायत भी उसकी अच्छी होना मुमकिन है। फिरोजाबाद से आकाश जी स्वागत है आपका। हेलो जी आकाश जी बताइए। हमें मैम वो ये थोड़ा पेट में प्रॉब्लम होती थी, जो हम खाना खाते हैं तो दर्द होता है हमारे सब पेट में। एज कितनी है आपकी? मेरी 70 है। 17। खाना खाते हैं तो दर्द होता है। आप बेल जानते होंगे, जिसे इंग्लिश में कोविड कहते हैं, बेल का मुरब्बा खाइए। अभी बेल तो नहीं आई होगी, बेल का मुरब्बा मिल जाएगा, 1 पीस उसका रोज़ाना सुबह खाली पेट खा लिया करिए, आपका अच्छा होना मुमकिन है।